हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक बाय शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर यूनिट 11। इससे पहले हमने यूनिट 10 तक के बारे में बात करी थी, जिसमें आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस थे। और आज हमें बात करनी है यूनिट 11 के बारे में। यूनिट 11 की सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 9 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे मैंने पहले 4 सेक्शन मेंशन करे, तो वो 4 सेक्शन क्या है? जैसे इमर्जेंस ऑफ एवोल्यूशनरी थॉट, ओरिजिन ऑफ सेल एंड यूनिसेल्यूलर एवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मॉलिकुलर एवोल्यूशन। और नेक्स्ट जो है वो है आपकी द मैकेनिज्म, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जीन पूल, जीन फ्रिक्वेंसी, ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। तो टोटल 6 सेक्शन है। तो अब इन सारी सेक्शन में आपने देखा होगा तो 10 to 11 टॉपिक्स हैं। अब 10 to 11 टॉपिक्स हैं, मीनिंग 60 to 65 अगेन टॉपिक बन जाते हैं। अब इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर आप कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर? क्योंकि जो आपकी यूनिट 11 है वो अगेन आपकी जो बड़ी यूनिट्स हैं उनमें से एक है। तो सारा का सारा हमें प्रिपेयर करना ही नहीं। हमें क्यों नहीं प्रिपेयर करना है? क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्मार्ट अप्रोच के बारे में। हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले टारगेट करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क टॉपिक है। एंड सेकंड जो हमारा टारगेट है वो हमें ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप यूनिट 11 या बिहेव एवोल्यूशन यूनिट की बात करें, तो इसमें जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कर लेना है। अब कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि हमने 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड करा। पहली जो है वो है मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क टॉपिक की। इसमें मैंने टोटल आपको 7 टॉपिक्स बताए। ये 7 टॉपिक्स क्या है? पहला जो है आपका मॉलिकुलर एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैलेंटोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री 28 क्वेश्चन, एल्टरिज्म एंड एवोल्यूशन 21 क्वेश्चन, सेक्सुअल सिलेक्शन 20 क्वेश्चन, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स 20 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लॉक, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर 17 क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन 13 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 7 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं, और सबसे पहले हमें इन टॉपिक्स को टारगेट करना है। और सेकंड आ जाएगा आपका मीडियम या लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो इसमें आपके अगेन टोटल 7 टॉपिक्स हैं। इसमें आपका क्या क्या है? स्पीशीज एंड स्पीशिएशन 12 क्वेश्चन, थेरीज ऑफ एवोल्यूशन 11 क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन 10 क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन एंड माइग्रेशन इन ब्रीडिंग भी 8 क्वेश्चन, इमर्जेंस ऑफ एवोल्यूशनरी कंसेप्ट 3 क्वेश्चन, डाइवर्सिटी 1 क्वेश्चन, एंड मिसलिनियस अगेन 1 क्वेश्चन। मिसलिनियस क्या है? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मोर देन 2 टॉपिक की कैटेगरी में एक साथ लाए कर सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट थे और 7 क्वेश्चन आपके मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट है। तो इस तरीके से टोटल 14 है। 14 टॉपिक्स आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो फटाफट इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो और प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम यूनिट 12 एंड यूनिट 13 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।